नवसारी विजलपुर नगरपालिका हद विस्तार में दिवाड़ी त्यौहार पहला रोड रस्ता गटर कामों की शुरुआत कर कामों लीधे लोग ने मुश्किल सामनो करव पड़े। वर्षोथी विजलपुर हद विस्तार की केटलीक शेरी रोड रस्ता पा गटर जी समस्या झजूमी रही थी और आ वर्षो स्थानिक द्वारा पालिका ने रजूआत करने छता कोईपण निराकरण आयु नु जयरे दिवाड़ी त्यौहार नजीक समय में आना समय पालिका द्वारा लोग मुश्किल में वारो कर लगी रो स्थानिक रहीशों जणाव्या मुजब वर्ष थी अटकेला आ कामों दिवाड़ी पहला केम करवामां आवी रह्या छे आ कामों लीधे शेरी मोहल्लामां बाळको वृद्धों ने महिलाओं ने तकलीफ नो सामनो करवो पड़े छे। विजलपुर हद विस्तार में त्यौहार पहला असंख्य कामों की शुरुआत करवामां आवी आ कामों थकी पालिकाना सत्ताधीशो सवाल उठी रह्या छे जे कामों चाली रह्या छे ते पालिका द्वारा आगु पण करवामां आवी रह्यु छे पण पालिका अध्यन सुधी कोई पण कॉन्ट्राक्टर विरुद्ध कोई कार्यवाही करी केम नथी ते जोवू रह्यु जे चाली रहेला कामों थी लोकोनी वर्षो जूनी समस्या नो अंत आवशे के केम पछी ए जोवू रह्यु। अभी जो नगर पालिका ने अभी दिवाली के टाइम पे 6-7 जगह काम चालू किया है तो उसके अंदर कैसे कामगिरी हो रही है और इसके अंदर आपका क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहूँगा विजलपुर नगर पालिका सन 94 से बनने के बाद आज तक पूरे नगर पालिका के अंदर ये जो शहर है नवदुर्गा नगर विजलपुर वार्ड नंबर 11 भी नया जो सीमांकन में आया हुआ है यहाँ की हालात अभी तक इस प्रकार की हालात रही कि ये पूरी तरह से लावारिस कहा जाए तो कम है। यहाँ की हालात इतने बिगड़ू न तो यहाँ पानी की व्यवस्था है न यहाँ लाइट की व्यवस्था है न यहाँ ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था है और न सड़क रोड रास्ता की व्यवस्था है। जहाँ पर लोग दिवाली के समय पर लोग अपने घरों को बढ़िया ढंग से कलर पॉलिश करके चमकाते हैं वहाँ ये नगर पालिका आप देखो पूरा खोदान करके पूरे एरिया को भ्रष्ट कर दिया है लेकिन फिर भी विकास का काम हो रहा है उसके साथ में हूँ। लेकिन अगर यह काम बारिश में आने के बाद में अगर क्वालिटी वाइज काम नहीं हुआ तो इसकी जवाबदारी नगर पालिका के कॉन्ट्रेक्टर की होगी और मेरा पूरी तरह से आंदोलन होगा। अगर जनता को वापस भविष्य में इस ड्रेनेज लाइन को बनाने के विषय में अगर क्वालिटी वाइज काम नहीं हुआ और जनता को इसके बारे में तकलीफ आई तो निश्चित रूप से मेरा आंदोलन होगा मेरा विरोध होगा और उसका पूरा चार्ज वापस नगर पालिका को कॉन्ट्रेक्टर द्वारा भरपाई करवाना होगा। क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आज तक 94 से आज तक यहाँ का विकास नहीं हुआ है। नए सीमांकन में आज तक यहाँ विकास नहीं हुआ है और ये नए सीमांकन में अभी दिवाली के टाइम पर पूर्व एरिया को खोद करके यहाँ तक कि बुजुर्ग सीनियर सिटीजन गर्भवती महिलाएं तमाम सारे लोग यहां से आवागमन करना चाहें तो यहां पर उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी हालात पूरे शहर की बनी हुई है पूरे एरिया का बना हुआ है सारे रास्ते टूट गए हैं सारे गलियां टूट गई हैं हर जगह अव्यवस्थित काम हो रहा है। लेकिन अगर भविष्य में ये काम करने के बाद अगर तकलीफ आई तो वापस ये क्वालिटी वाइज काम नहीं हुआ इसकी जवाबदारी नगर पालिका की और कॉन्ट्रेक्टर की होगी और नहीं तो मैं निश्चित रूप से इस पर आंदोलन करूँगा। ये तय है।